सब्सक्राइब कीजिए फूड सेशन चैनल को और परफेक्ट एंड इजी रेसिपी देखने के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेशन। आज मैं अपने चैनल पे काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड की है और आज की मेरी वीडियो किसी रेसिपी रिलेटेड नहीं है। इनफैक्ट आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, कोरोना वायरस क्या है और ये कितना फैल चुका है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, आज हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासर हुई है और अब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। किसी ममालिक में इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लाखों लोग जो है मर चुके हैं और अब भी काफी जो है वो लोग मुतासर है कोरोना वायरस से, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है कि जिससे हम इससे बच सकें, इस वायरस को जो है खत्म कर सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे इसके बचाव के बारे में बात करूंगी, किस तरह इससे बच सकते हैं, कौन से चीजों पे हमें अमल करना है, कौन से तरीकों पे हमें अमल करना है जिससे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले से जो बचने का तरीका है वो यही है कि आप जितना हो सके घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं, बेवजह बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके आपने घर में रहना है, क्योंकि ये वायरस जो है हवा के ज़रिए लग रहा है, हवा के ज़रिए फैल रहा है, ठीक है। तो हम जितना घर में रहेंगे इस वायरस से महफूज रहेंगे। आप कोशिश करें कि घर में रहें, काम के बिना आप घर से बाहर ना जाएं। और दूसरी बात यह है कि आप इसके बचाव के लिए अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क लगाएं, मास्क जो है बहुत ज़रूरी है। तो बाहर जाने से पहले आप जो है मास्क वेयर लाजमी करें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे मजाक ना लें, बिल्कुल सीरियस लें और जो है मास्क वेयर करके ही आप बाहर जाएं। और जैसा कि हम बाहर से घर में एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को वॉश करना है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हाथों को वॉश करना। और अगर हम घर में भी हैं तो हमें चाहिए कि हम बार बार जो है अपने हाथों को वॉश करें, क्योंकि हाथ क्लीन रहेंगे तो हम इस जरासीम से जो है महफूज रहेंगे, क्योंकि ये जरासीम नाक से, मुंह से और आंखों से लग रहा है। अगर आपके हैंड वॉश नहीं होंगे और अगर आप वही हैंड जो है अपने फेस पर लगाएंगे तो ये जरासीम जो है आपके नाक, मुंह और आंखों के ज़रिए आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम हाथों को बार बार वॉश करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि घर में जो हैं वो उनको चाहिए कि वो हाथों को वॉश करें बार बार, और अगर जो बाहर हैं उनको चाहिए वो सैनिटाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि सैनिटाइज़र हमारे बहुत हेल्प करता है हमारे हैंड को क्लीन रखने में। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई है बचाव के बारे में कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी कि ये वायरस किन पर जल्दी अटैक कर सकता है, किन लोगों को जो है वो इस वायरस से खतरा है कि उन पर ये फौरी अटैक कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये वायरस जो है कमजोर इंसान पे जल्दी अटैक करेगा। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों की। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और वो जो है बीमारी को ज़्यादा देर झेल नहीं सकते, तो बच्चों पे वायरस बहुत जल्दी अटैक करेगा और वो इससे बहुत जल्दी मुतासिर होंगे। तो जितना हो सके अपने बच्चों को इस चीज़ से महफूज करें, उनकी सेफ्टी करें, उन्हें घर में रखें, बार बार उनके हैंड वॉश करवाएं, जितने मैंने इंस्ट्रक्शन बताएं आप उन पर अमल करें और अपने बच्चों की सेफ्टी करें, क्योंकि ये वायरस बच्चों पे फौरी अटैक कर सकता है। अच्छा, दूसरे जो लोग हैं जो इससे बहुत जल्दी मुतासर हो सकते हैं वो है एजिड लोग, जिन पर ये वायरस बहुत जल्दी अटैक कर सकता है, या वो जो पहले से किसी बीमारी का शिकार है वो भी इससे बहुत जल्दी मुतासर हो सकते हैं। तो उन्हें भी अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है और जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताए इन पर अमल करना है और अपनी सेफ्टी करनी है, क्योंकि पहले से एक बीमार इंसान जो है अगर उसको ये वायरस लग जाता है खुदा ना खास्ता तो वो जो है इस वायरस को नहीं झेल सकता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताते चलूँ कि इससे बचाव के लिए जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे इस्लाम में है कि हम जितना हो सके बावजू रहें, क्योंकि बावजू रहने के बहुत फ़वाद हैं। तो अगर हम जितना हो सके बावजू रहेंगे तो इस वायरस से हम बचे रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का बस मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को पता चल सके कि हमने किस तरह से बचाव करना है, इस वायरस की लपेट में हमें नहीं आना है, हमें कौन से इंस्ट्रक्शन है जिन पर अमल करना है, वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मेरे इंस्ट्रक्शन समझ आए होंगे, आप इन पर अमल करेंगे और घर में रहेंगे, हाथों को बार वॉश करेंगे और बाहर आना जाना ज़्यादा नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो करते हैं वाइंड अप, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।